चलिए तो ऑसिलेशन वाले ऑसिलेशन वाले चैप्टर की ही बात कर लेते हैं। तो पहला आपने क्वेश्चन पूछा है कि सर वो SHM का डेरिवेशन है ना। हाँ सर। देखिए टाइप ऑफ SHM कई सारे होते हैं। वैसे तो सिंपल पेंडुलम भी SHM होता है, स्प्रिंग मोशन भी SHM होता है, ओके, और कई सारे कंडीशनल SHM भी हुआ करते हैं। परंतु जो आपको SHM का वो निकालना है, डिराइव द फॉर्मूला, वो क्वेश्चन नंबर 2 था जो मैंने कराया था। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, मैं दोबारा करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर टू है राइट द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। एक पार्टिकल जो है जो SHM एग्जीक्यूट कर रहा है उसके आप एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन लिखो और उसके बाद में बताओ कि एक्सप्रेशन डेड्यूस करो टाइम पीरियड के लिए। ओके तो देखो क्या रिलेशन होता है। जो बेटा रिलेशन होता है एक्सेलरेशन में और डिस्प्लेसमेंट में वो होता है एक्सेलरेशन a इज़ इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। नोट करिए ये नंबर 1, यहाँ से शुरुआत होता है टाइम पीरियड का। a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ओके माइनस साइन क्या बताता है, नेगेटिव। लिखो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज टूवर्ड्स मीन पोजिशन। ओके माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है। जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है। तो यहाँ माइनस साइन केवल अपोजिशन ऑफर करने के लिए शो हो रहा है और उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन मैग्नीट्यूड अगर डायरेक्शन को हम कंसीडर ना करें तो हम लिख सकते हैं बेटा इन मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए अपॉन वाई। बोलो होगा कि नहीं होगा बेटा। ओके नाउ ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बाई वाई, होगा कि नहीं होगा। ओके ओमेगा क्या होता है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई बाई टी, होता है कि नहीं होता सर। तो 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए अपॉन वाई। पलट दो बेटा इसको, तो टी अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट वाई अपॉन ए। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट वाई बाई ए। डन। तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट वाई का मतलब डिस्प्लेसमेंट और ए का मतलब एक्सेलरेशन। नोट करिए सर। हाँ बेटा मैं सर क्या क्या बेटा सर ने हमें क्वेश्चन दिया था ये SHM वाला। हाँ उसमें क्या आया था, उसमें सर ने पांच वो बताए थे SHM के डिफरेंट बॉडी। एक तो सिंपल पेंडुलम, मोशन इन बार, मोशन ऑफ सिलेंडर इन अप एंड डाउन, और मोशन ऑफ स्प्रिंग। तो देखो ये जो है ये सबके लिए यही जनरल है, सबके लिए ये केस लगेगा, फॉर ऑल, ये सबका जनरल केस है। समझ में आया? Yes, sir. Okay. अब जो आप पर्टिकुलर केस बोल रहे हो वो पांच केस बनेंगे, तो पांच केस में से क्या पांचों के टाइम पीरियड आपने निकाले हैं कि नहीं निकाले? हाँ सर पांचों के निकला है सर ने। ओके okay. वो नोट्स हैं आपके पास में? हाँ सर है। ओके okay. चलिए तो उनको भी करा देता हूँ मैं। पहले इसको नोट करिए सर, सिंपल पेंडुलम वाला है। हाँ सिंपल पेंडुलम वाला होगा और स्प्रिंग वाला होगा। मैंने आपको क्लास में 3 कराए हैं, एक नंबर ये 1 ये कराया है, नंबर 2 मैंने आपको सिंपल पेंडुलम का कराया है। हाँ सर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मैंने कराया था टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। यस और नो? यस सर। हाँ और एक मैंने आपको कराया था स्प्रिंग का, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम के।
याद आया? सर। तो ये तीन बच्चे अपन ने करे हैं। अब इसके अलावा कोई और है तो वो भी मैं कराए देता हूँ। बताइए, मुझे तो नहीं लगता कि सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग के अलावा, मतलब तीन काफ़ी हैं। अब वो वैसे वो भी सिलेंडर वाला होता है। वो हाँ बेटा, तीन सर ना ऐसे नहीं, तो दो सॉल्व करवाए। हाँ ओके, एग्जाम्पल दिए थे, दो सॉल्व करवाए हैं ना। एग्जाम, वो एक सिंपल पेंडुलम वाला और स्प्रिंग वाला, बाकी सब ऐसे ही करे उन्होंने हाँ तो ठीक लिखवाए। है, यही दो करिए आप। आपको ये बताओ मुझे कि सिंपल पेंडुलम आता है कि नहीं आता, स्प्रिंग आता है कि नहीं आता आपको? आता है, स्प्रिंग भी आता है आ जाएगा सर। हाँ सर। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसे हो जाएगा सॉल्व। ओके, आपको स्प्रिंग सर या ये सिंपल, 5 मार्क क्वेश्चन। हाँ भाई 5 मार्क्स में हो सकता है दोनों दे दे, 5 मार्क्स में मिला करके सिंपल पेंडुलम भी दे दे और स्प्रिंग भी दे दे, तो डिराइव कर दीजिएगा। समझ गए ना? यस सर। चलो और बताओ, क्या बताऊँ इस सर चैप्टर से। एक क्वेश्चन था, हाँ व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इज थ्राइज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, व्हाट विल बी द, नहीं व्हेन बी द, व्हेन विल बी द बोला होगा। When will be the displacement? हाँ क्वेश्चन बोलो, व्हेन विल बी द, Displacement is thrice of potential energy. व्हेन विल बी द डिस्प्लेसमेंट इज थ्राइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बेटा देखो आप क्या कह रहे हो, कह रहा है डिस्प्लेसमेंट कब एनर्जी का 3 गुना हो जाएगा। अरे बेटा डिस्प्ले एक अलग क्वांटिटी और एनर्जी एक अलग क्वांटिटी थी, तो कहाँ डिस्प्लेसमेंट पोटेंशियल एनर्जी का 3 गुना होगा। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट व्हेन काइनेटिक एनर्जी विल बी द थ्राइस, कुछ और होगा क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट कभी पोटेंशियल एनर्जी का थ्राइस थोड़ा ना होगा। सर आधा लिखा होगा, वो एक बार मेरे को कंफर्म करना वही वही पड़ेगा। सर क्वेश्चन गलत दे रहे हो आप, सही नहीं दे रहे हो, सही क्वेश्चन दो। डिस्प्लेसमेंट एनर्जी का थ्राइस नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट एक अलग क्वांटिटी है। बताइए। हाँ बत एक और है हाँ सर, डॉपलर इफेक्ट के एप्लीकेशन क्या होंगे? ओके, डॉपलर इफेक्ट के एप्लीकेशन। डॉपलर इफेक्ट खुद में एक इवेंट है, डॉपलर इफेक्ट में इवेंट है, जैसे कि जब आपके पास जो कार वगैरह आती हैं, मूविंग गाड़ी जाती हैं, मूविंग कार जो आया करती हैं, वो जब आती हैं तो उनका साउंड जो होता है आपको वो लेस फ्रिक्वेंसी में सुनाई देता है। सुनाई देता है कि नहीं सुनाई देता? उनकी आवाज़ श्रिल हो जाती है, श्रिल मतलब थोड़ी सी तीखी टाइप की नुकीली आवाज़ हो जाती है। और दूसरा मैंने बताया था कि जब आप किसी वाटर पॉट को, मटके को भरते हो, तो मटके में शुरुआत में पानी की आवाज़ थोड़ी सी मोटी रहती है, बट जैसे जैसे पानी भर जाता है वो श्रिल हो जाती है आवाज़, है ना? तो ये तो खैर एयर कॉलम था, ये जो इफेक्ट है ये डॉपलर इफेक्ट का है। तो यस डॉपलर सर। इफेक्ट के एग्जाम्पल्स याद कर सकते हो आप, तो बुक से एग्जाम्पल याद कर। ओके ओके, सर। बुक से एग्जाम्पल याद कीजिए और बताइए। सर ये सर ने कुछ क्वेश्चन दिए थे उसमें से। हाँ सर, चलो और कुछ पूछना है वो न्यूमेरिकल्स वाले में से। सर पूछो, क्वेश्चन सेंड करो, कौन सा न्यूमेरिकल ग्रुप में सेंड करो। ने वो लिखवाया था सर ने, व्हाट इज द हाँ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन व्हेन एनर्जी इज हाफ काइनेटिक एंड हाफ पोटेंशियल। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलिए बेटा, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन व्हेन एनर्जी इज हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड हाफ हाफ ऑफ, पोटेंशियल ओके एनर्जी। ठीक है। पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो। व्हाट विल द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एंड पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ। ओके, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी आधी है और पोटेंशियल एनर्जी भी आधी है, मतलब दोनों एनर्जी आपस में इक्वल है, आधी आधी। बोलो यस और नो। यस सर। भाई दोनों हाफ हाफ हैं, मतलब दोनों इक्वल इक्वल हैं, आधी आधी एनर्जी है। ओके यस और नो। हाँ सर। चलिए अब आपको याद होगा मैंने एनर्जी का डेरिवेशन कराया था, काइनेटिक और पोटेंशियल मैंने दोनों बताई थी आपको। तो काइनेटिक एनर्जी एसएचएम की क्या हाँ हुआ सर। करती है, याद कीजिए, हाफ
एम ओमेगा एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, याद आया? वी यस सर यही था। हाँ सर एम ओमेगा स्क्वायर यस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है बेटा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर होती है कि नहीं होती है? यस सर होती है ना। चलिए देखिए, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया। कैंसल नाउ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर, क्लियर? हाँ सर ए स्क्वायर इक्वल टू टू वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया बेटा ए स्क्वायर अपॉन टू, तो वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर बाई टू। ले लो एलसीएम, कितना आएगा बेटा? ए स्क्वायर का ए आएगा और इसका रूट टू आएगा, और रूट हटने से दो आएगा प्लस माइनस। बेटा लिखो आंसर, वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई रूट टू, ये है आंसर। यस सर ओके ओके सर और बताओ। चलिए बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ प्रेशर लॉ ये आएंगे क्या? हाँ बेटा, मैंने तीनों चीज़ें बताई हैं, बहुत ही सिंपल। देख लो बॉयल्स लॉ क्या होता है। बॉयल्स लॉ जो होता है वो होता है पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, ओके, एट टेम्परेचर कांस्टेंट, क्लियर? चार्ल्स चार्ल्स लॉ होता है वी प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू टू टी, टी हाँ, एट पी कांस्टेंट, ओके। एंड प्रेशर लॉ जो होता है वो होता है पी प्रेशर होता प्रोपोर्शनल टू है टी एट वी कांस्टेंट, ठीक है ना? तो ये यस तो सर थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट है। थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको बताया था कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चन लगते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, सबसे पहला है क्वेश्चन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरा सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, 100% नहीं 200%, सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन इस चैप्टर से। सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, स्पेसिफिक हीट का डिफरेंस आर के इक्वल होता है, क्लियर? ओके सर ये जो नोट्स ब्लैक यस एंड सर व्हाइट पड़े हुए हैं बेटा उनमें ढूंढ लो, उनमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो मैंने बताए हैं, है ना? एंड लास्ट है वर्क डन इन सर वो आइसो, जो टेंशन क्वेश्चन क्या बेटा? टेंशन वाला जो क्वेश्चंस है ना टेंशन वाला, उसमें M1 M2 होते हैं। हाँ, पुल्ली वाला वो करा दूँ? हाँ सर चलो ठीक है। और तीसरा जो है वो याद करके जाना, क्या? वर्क डन इन आइसोथर्मल, आइसोथर्मल के ज़्यादा चांसेस इस बार, और एडियाबेटिक। बस इन चार यस क्वेश्चन सर से ही आपका वो क्वेश्चन कर आ लिए जाएगा, सर हाँ, इन चार में से क्वेश्चन आ जाएगा। डन, ओके सर चलिए नेक्स्ट देखिए। यस पुल्ली सर सिस्टम वाला बोल रहे हो ना आप टेंशन निकालने के लिए? हाँ सर चलिए एक पुल्ली लटका दिए यहाँ पे, और पुल्ली में दो मास लटका दीजिए, यहाँ पे है M1 और यहाँ पे है M2। बेटा नीचे की तरफ एम वन सर में कितना फोर्स लगेगा? M1G, बोलो हाँ। यस सर और इसमें कितना लगेगा? M2G। इधर ऊपर की तरफ टेंशन, इसमें ऊपर की तरफ टेंशन, बोलो यस और नो। यस सर चलिए अब लिखते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन यस सर फॉर ब्लॉक M1। फॉर सबसे पहले M1 के लिए लिखता हूँ, देखो M1 के लिए देखो M1 की हालत क्या है। ये M1 की हालत ये है, इस पर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का नाम है M1G, बोलिए यस। यस सर ऊपर की तरफ लग रही है टेंशन, है ना? नहीं लग रही क्या? हाँ सर और इस सब कुछ होने के बाद ये जो ब्लॉक है ये ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है,
मतलब इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो है एम वन ए मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ सर, चलिए तो क्या बनेगा बेटा अपने पास, देखो क्या होता है। इक्वल टू एम इंटू ए से क्या लिखो बेटा, नीचे वाला फोर्स एम वन जी, ऊपर वाला फोर्स कितना टेंशन, इक्वल टू एम वन ए। नीचे वाला फोर्स लग रहा है एम जी, ऊपर वाला फोर्स है टेंशन, इक्वल टू एम वन ए। ये हो गया अपने पास पहला रिलेशन एम वन जी माइनस एम ए। बोलिए यस और नो?